क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

तो आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने वो ये है मिर्मेको इज फाउंड अब देखो बेटा मिरमेकोफिली के बारे में हमने कहा पढ़ा हुआ है हमने इसके बारे में जो है वो अलग अलग हिस्से में पढ़ा से हम बात करेंगे जब हम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट देखे थे तो मैंने आपको बताया था कि मिर्मेकोफिली का मतलब क्या होता है मिर्मेकोफिली पॉलिनेशन विद हेल्प ऑफ आंट परंतु याद रखिएगा वर्ड का इस्तेमाल हम आंट और प्लांट के बीच में जो संबंध होता है जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दी प्लांट एंड आंट आंट से, उसके लिए भी हम जो है वो मिर्मेकोफिली वर्ड का हम यूज करते हैं तो मिर्मेकोफिली कहां देखने मिलता अकेशिया प्लांट में हमको ये देखने मिलता आंसर है इसका बीटा भी अकेशिया प्लांट अकेशिया प्लांट चीटियो के कारण चीटियां बड़ी संख्या में अकेशिया प्लांट में रहती हैं, उनको फूड मिलता है रहने को जगह मिलती है और बदले में चीटियों के कारण कोई भी इस प्लांट को डैमेज नहीं करता कोई इस प्लांट को छूता नहीं तोड़ता नहीं है के क्योंकि चीटियों के कारण जो है वो एनिमल्स के पास नहीं आते तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है ठीक है क्लियर सेकेंड क्वेश्चन है रोडोडेंड्रॉन

का देखने आपको मिलेगा याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में देखी जाती है याद रखिए बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं हिंदी वर्ड बड़ा अच्छा है इसका जलोड़ मिट्टी जल से आने वाली ठीक है मतलब गंगा और यमुना के प्लेन में जो सॉइल मिलती है ये एक तरह की फर्टाइल सॉइल भी होती है बेहतर मिट्टी होती है से, जलोड़ मिट्टी बोलते हैं इसे हम जो है वो एलिवियल सॉइल कहते हैं बेटा ठीक है ना क्लियर इसे हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं फिट अमंग दिच प्लांट इज कंप्लीटली डिवाइड ऑफ रूट के निम्नलिखित दिए गए पौधों में से कौन सा पौधा ऐसा है जिसमें जड़े नहीं होती है जाहिर सी बात है जिस पौधे में जड़े नहीं है मतलब वो प्लेंटी फुल ऑफ वाटर में प्रेजेंट है बड़ी मात्रा में पानी के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसमें जड़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है जनरल सरफेस ऑफ बॉडी से वो वाटर को कर पाएगा आंसर इसका बेटा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मॉर्फोलॉजी वाले हिस्से में ओवरलैप करता है ऑर्विज एंड पॉपुलेशन में ओवरलैप करता है इकोसिस्टम में ओवरलैप करता है बेटा ठीक है ना तो आपको पता होना चाहिए तो कुछ किस पौधे में जड़े बिल्कुल नहीं होती आंसर बोल्फिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो है हायर रूट शूट के उच्च जड़ तना अनुपात कहां मिलेगा मतलब कहने का मतलब है कि मोर ऑफ द रूट्स मोर रूट्स बट शॉर्ट शूट तना छोटा होगा तभी तो रेशियो हायर होगा ना बेटा के जड़े जो है वो अधिक अधिक होंगी तनाव ऊपर का कम होगा मतलब जड़ों को अधिक प्रयास करना पड़ रहा है वाटर को लेने के लिए और तना छोटा रखा है ताकि वाटर का लॉस कम हो मतलब वाटर लेने के लिए अधिक कोशिश करनी पड़ रही है और वाटर को का लॉस ना हो उसका प्रबंध करना पड़ रहा है मतलब ये कहां पर होगा ये होंगे जीरो फाइटिक प्लांट होंगे ये मरुस्थली पौधे होंगे मरुस्थली पौधों में हमको ऐसा देखने मिलेगा अब ऑप्शन में क्या है Epified वो होता है जो एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट लेके ग्रो करता है ये सपोर्ट केवल जो है केवल सपोर्ट के लिए ग्रो करता है ये और एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर ग्रोथ करता है केवल सपोर्ट के लिए ग्रो करता है कोई भी न्यूट्रिशन उससे ये नहीं लेता है

इड्रोफाइड वाटर के अंदर होते हैं तो कई बार रूटी नहीं होती है तो हेलोफाइड जो होते हैं वो सलाइन सॉइल के होते हैं मतलब अधिक सॉल्टी सॉइल के अंदर हमको देखने मिलते हैं बेटा ठीक है और इनमें भी जो है वो इनमें रूट शूट का रेशियो हायर साइड होता है जबकि सेमोफाइट जो डेजर्ट में रेतीली हिस्से में जो जो सैंड में जो डेजर्ट में या जो सैंड में ग्रो करते हैं उन्हें हम सेमोफाइट कहते हैं जो कि एक्चुअली क्या होते हैं जीरोफिटिक प्लांट होते हैं क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है Which is which is the characteristic feature of a physiologically dry soil ke के कौन सा एक physiologically word का हिंदी होता है कार्रिकी ठीक है physical एक word होता है बेटा एक होता है एक word होता है physically dry soil ठीक है जब आप बोलोगे फिजिकली ड्राई सॉइल बोलोगे मतलब water नहीं है मिट्टी में पानी नहीं है ठीक है तो वॉटर ही नहीं है तो कैसे ले पाएंगे तो फिजिकली ड्राई सॉइल हो गया जब आप बोलोगे फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल वॉटर इज प्रेजेंट पानी प्रेजेंट है लेकिन सम कंडीशन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके चलते प्लांट पौधे को नहीं ले पा रहा है और उस कंडीशन का संबंध प्लांट की फिजियोलॉजी से जैसे कि बाहर का जो सॉइल सॉल्यूशन है जहां वाटर प्रेजेंट है वो हाई सॉल्यूशन है, और वाटर कहां से कहां मूव करता है वाटर मूव करता है लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करता है इसका मतलब तो यह हो गया कि वॉटर तो प्लांट की रूट से बाहर निकल जाएगा तो वाटर होने के बावजूद प्लांट की रूट उस वाटर को ले नहीं पा रही क्योंकि कारण यह है कि बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो ये फिजियोलॉजिकली ड्राई कंडीशन है मतलब वॉटर होने के बावजूद कंडीशन ऐसी है कि प्लांट रूट उस वाटर को ले नहीं पा रही है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रीडियंट के अगेंस्ट चल रहा है काम ठीक है वहां पर ऑस्मोसिस प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है ठीक है तो वैसे मैं वाटर लेने का एक ही तरीका एनर्जी खर्च करूँ वाटर लो और प्लांट इतना एनर्जी खर्च कर नहीं पाता है क्योंकि तो वाटर का एक ड्रॉप अंदर लेने के एक मॉलिक्यूल अंदर लेने के लिए बड़ी मात्रा में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है उसको ठीक है तो ये ऐसे जैसे इसीलिए कहते हैं ना कि आपने एक पौधा लगाया पौधे के आसपास अपने खूब सारा खाद डाल के पानी डाल दिया तो बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन बन गया तो पौधा मर जाएगा तो खाद थोड़ा सा डालते हैं ठीक है आंसर क्या है इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज वेरी हाई इन दिस सॉइल ठीक है तो ये क्या होगा बेटा ये फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक होगा ये क्लियर ठीक है एक गुड सॉइल इज दैट एक अच्छी मिट्टी क्या होती है एक अच्छा गुड सॉइल वो होता है बेटा देखो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड डिसाइडिटेशन टाइप इसलिए सॉइल पर कई क्वेश्चन पूछे गए इकोलॉजी में सॉइल जो होता है अच्छा सॉइल क्या है ऐसा है जिसमें कि वाटर अंदर आए आने के बाद धीमे धीमे, धीमे 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 वाटर परकुलेट करके नीचे पहुंचे इससे क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में बारीक बारीक कैपलरी होंगी उनमें पानी भरा जाएगा और वो कैपलरी से जो है प्लांट की रूट वाटर को ले पाती है याद रखिएगा प्लांट की रूट जिस वाटर के फॉर्म को ले पाती है मिट्टी से वो होता है कैपिलरी वाटर होता है

रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो जहां पे टेम्परेचर जो है वो हायर साइड है ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लोअर साइड है विंड विंड जो है prevalent है fast wind है फास्ट ठीक है विंड है है इसका मतलब ये कुल मिला के सारा प्रबंध ऐसा है कि प्लांट टेम्परेचर अधिक होगा तो पौधे को ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वाटर का लॉस कम से कम हो वाटर का लॉस उसका कम से कम हो उसका अरेंजमेंट उसको करना पड़ेगा अदरवाइज पौधा मर जाएगा ठीक है फिर विंड वेलोसिटी अधिक होगी तो ऐसा भी नहीं है कि ऊपर हवा इकट्ठी होगी ट्रांसमिशन होगा वेपर्स इकट्ठे होंगे तो प्लांट का आसपास का जो है वो टेम्परेचर कम हो जाए अब विंड वेलोसिटी हायर साइड होगी तो वहां पर मॉइस्चर इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा तो मतलब ये भी कंडीशन ऐसी है जो वाटर का लॉस बढ़ाएगी ठीक है फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, मतलब ये कि वैपर्स जो लीफ है लीफ की तुलना मेंचर तो से से तो आप बदल नहीं सकते हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप बदल नहीं पा रहे हो विंड का कुछ कर नहीं सकते तो आप तो आपको क्या करना पड़ेगा लीफ को मॉडिफाई करना पड़ेगा लीफ को ऐसा कर दो आप कि कम से कम वाटर का लॉस करे वो क्या कर दिया लीफ को छोटा कर दिया और नैरो कर दिया स्मॉल एंड नैरो कर दोगे तो वाटर का लॉस कम हो जाएगा क्लियर तो आंसर का क्या है टेस्ट आंसर आया ए स्मॉल एंड नैरो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवी रेनफॉल थ्रू आउट दर रिजल्ट इन अब ये तो ग्राफ समझाया हुआ है मैंने आपको किस तरह के बायो बनते हैं यदि पूरे साल भारी वर्षा होगी तो क्या बनेंगे वर्षा वन बनेंगे वर्षा वन बनेंगे रेन फॉरेस्ट बनेंगे और ये रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं लग्जरियंट एवरग्रीन फॉरेस्ट कई बार क्या होता है एग्जाम में टर्मिनोलॉजी का फर्क पड़ता है कि क्या टर्म पूछा गया है ऑप्शन में इसलिए वो पता होना चाहिए तो लग्जरियंट एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब होता है की जो है वो जो है विशाल काय सदाबहर वन बन बनते हैं जो, जो है हम वर्षा वन कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं हम ठीक है हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन लीफ स्कॉर्चिंग एंड सनकॉल्ट सन स्कॉल्ट प्लांट प्रिवेंट डेमसेल फ्रॉम हाई टेम्परेचर इंजुरी बाय डेवलपिंग और फॉर्मिंग अब देखो तापमान अधिक होने पे क्या है पत्तियां सूख जाएंगी पत्तियों में सनबर्म जैसा हो जाएगा जल जाएगा उनका हिस्सा के और प्लांट क्या करते हैं अब प्लांट को, प्लांट को 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 मान लीजिए जो है अपनी लीफ डैमेज से बचाना है तो वो क्या प्रबंध करेंगे ने अपने आप को प्लांट की लीफ लीफ डैमेज कर जाती है प्लांट की सरफेस डैमेज कर जाती है तो प्लांट को यदि जो है वो अपने आप को डैमेज से बचाना है तो वो क्या क्या उपाय करेगा ठीक है हाई कंटेंट ऑफ शुगर और म्यूसिलेस के क्या करेगा वो वो अपनी लीफ के अंदर कि सन बर्न बर्न होने से प्लांट की लीफ ना हो जाए या प्लांट जो है की लीफ जो है जो है है वो वो एकदम सूख कर खत्म ना हो जाए तो क्या करेगा वो अपने अंदर म्यूसिलेस को इकट्ठा कर लेगा शुगर को इकट्ठा कर लेगा उससे क्या होगा कि अंदर का जो इन्वायरमेंट अंदर जो जो लीफ के अंदर जो होगा वो लीफ फूल जाएगी सोलन हो जाएगी आपने देखी ना एलोएवेरा की लीफ देखी होंगी आपने एलोएवेरा देखा आपने एलोवेरा की लीफ ठीक है एलोवेरा की लीफ देखिए उसमें जब तोड़ते हैं लिफ को अंदर से वाटर कंटेंट म्यूसिलस निकलता है उसी का तो इस्तेमाल करते हैं हम तमाम तरह के कॉस्मेटिक्स में ठीक है ना तो एलोवेरा की बात करें यहां पे कई आपको लीफ ऐसी मिलेंगे जो फ्लैशी लीफ्स होती है जिनको तोड़ेंगे अंदर म्यूसलेज मिलेगा आपको तो ये सही हो गया ठीक है अब जो ऐसा नहीं कर पा रहा है जो ऐसा नहीं कर पा रहा वो लीफ के ऊपर जो है वो कॉर्क की कौर्क, वो लीफ के ऊपर की लीफ में हमको कॉर्क कई बार देखने मिलता है अदरवाइज हम क्या बात करते हैं जो जो लीफ है लीफ गिर जाएगी या मोडिफाइड जाएगी और स्टेम की सर्फेस पे आपको कॉर्क का लेयर देखने मिलेगा ये भी सही बात है ये भी कॉर्क क्या होता है ये वॉटर के बाहर निकलने को

इज क्वेश्चन होते हैं परंतु हमने आपसे कहा ना कि व्हाई वा, वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स हमारा टारगेट सिंपल सा है बिल्कुल एंड सा, सा well आप कर सकते हैं बिलीव मी के आप कर सकते हैं बेटा ठीक है ना चल फिर प्लांट्स विथ रिन्य रिन्यूवल वर्ड नियर ग्राउंड स्कॉल के ऐसे पौधे जो जो ग्राउंड के निकट होते हैं भूमि के निकट होते हैं उनमें ऐसी वर्ड होती है जिससे कि एक नया प्लांट निकल सकता है या ऊपर का हिस्सा डैमेज कर जाए उससे भी प्लांट बन सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं तो उनके लिए याद रखिएगा बेटा टेक्निकल टर्म नोट कर लीजिएगा मैंने टर्मोलॉजी वाली एक शीट भी अपलोड किया हुआ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट उसको भी बेटा देख लेना एक बात के इन्हें बोलते हैं कीमोफाइट करते याद रखिएगा ठीक है ना क्लियर इन्हें हम कीमोफाइट्स कहते हैं इनके लिए हम कीमोफाइट वर्ड का यूज करते हैं ठीक है चलिए अब

जो है होंगे ही नहीं उसके अंदर तो मतलब ये कि जो पानी में डूबा हुआ प्लांट है उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है की इसीलिए जो है उसमें तो नहीं होते यदि हैं यदि है तो वो वेस्टिजल होते आंसर नो वेयर ऑन दी प्लांट ठीक है ना क्योंकि चारों तरफ वॉटर उसके होता है और वो जनरल सर्फेस से वाटर को वो ले सकता है प्लांट क्लियर ठीक है चलिए तो अब ये तो हमने देखे आज के कुछ क्वेश्चन और धीमे का। मैंने कहा ना वैरायटी को कवर करने के लिए हम जो है वो अब कई बच्चों का बोला सर आप वही क्वेश्चन बताओ जो आप पढ़ा रहे पढ़ा दिए आपने तो उससे ये होगा बेटा कि हम डीपेस्ट तो लगाते ही ना डीपेस्ट में अधिकांश क्वेश्चन वही आते हैं नाइनटी परसेंट सुपर क्वेश्चन जो आपको लेक्चर में कवर किया आज के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके वैरायटी वर, और रेंज को कवर करते हैं तो हम यहां पर लेक्चर के पहले एमसीक्यू ले रहे हैं तो वो एमसीक्यू हम क्यों ले रहे हैं ताकि कुछ जो है इंफॉर्मेशन का स्पेक्ट्रम हम अपना ब्रॉड कर सके तो आज के लेक्चर में बेटा हम देखने वाले हैं आज के जो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर फाइव में रिस्पॉन्स टू एवायोटिक फैक्टर एवायोटिक फैक्टर का क्या रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म देते हैं हैबिटेट चेंजेस का क्या फर्क पड़ता है इफेक्ट ऑन लाइफ होमियोस्ट्रेसिस रेगुलेटर्स क्या होते हैं पार्शियल रेगुलेटर क्या होते हैं कन्फर्मर्स क्या होते हैं एलेंस रूल क्या है माइग्रेशन क्या होता है सस्पेंड क्या का मतलब क्या होता है और और सनलाइट के आधार पर प्लांट कितने तरह के होते हैं उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं चलिए लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ठीक है हेलो कमांडोज वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतेन सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी और इकोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो अभी हम ऑर्गेनिज्म वाले हिस्से में चल रहे हैं जहां पर हमने क्या देखा हमने देखा कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है हमने देखा कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को ठीक है हमने देखा कि क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है हमने ये भी देखा कि रेनफॉल क्या रोल प्ले करता है ह्यूमिडिटी का क्या रोल होता है विंड वेलोसिटी का क्या रोल होता है तो हमने कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो फिजिकल इन्वामेंट के ऊपर थे उनको हमने समझा ये भी देखा हमने कि टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है टोपोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं फिर सबसे बड़ी बात हमने ये देखी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपने फिजिकल से इंट्रैक्शन करते हैं और एक वर्किंग सिस्टम बनता है जिसको हम इको सिस्टम कहते हैं तो हमने कुछ टर्मोलॉजी को भी समझा हमने कि लैंडस्केप क्या होता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है इको क्या होता है ठीक है इकोलॉजी की बेसिक यूनिट जो है वो ऑर्गेनिज्म क्यों होता है फिर हमने जो है एक कॉन्सेप्ट को और समझा हमने देखा कि हैबिटेट क्या होते हैं निके क्या होते हैं या निच क्या होते हैं इकोलॉजिकल निके या इकोलॉजिकल निच क्या होता है ट्रॉफिक निके क्या होता है उसमें हमने देखा था स्पाशल निके क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन क्या होता है तो कई सारी कॉन्सेप्ट को हमने पिछली क्लासेस में क्लियर किया याद रखिएगा बेटा कि अभी इस दौरान आपके ये जो लेक्चर चल रहे हैं आपको जो डीपीपी मिल रहे हैं वे सारे डीपीपी बड़े इंपॉर्टेंट है, है, है इंफॉर्मेशन बहुत सारा है और इंफॉर्मेशन काफी जो है वो आप समझ लीजिए कि उससे एक इंफॉर्मेशन से कई सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है और ये वो चैप्टर है जहां जो आपको दूसरों के ऊपर लीड दिलवाता है ठीक है क्लियर चलिए तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड और पॉपुलेशन पर तो पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर करने पहले आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे के आप मुझे बताएंगे मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ निके निके का मतलब क्या होता है ठीक मतलब है ठीके? ठीक आपको बताना है बेटा कि हैबिटेट क्या होता है और निके क्या होता है क्लियर ठीक हैबिटेट का मतलब क्या होता है और, मतलब और निके का, मतलब का मतलब क्या होता है एक डेफिनेशन आपको और देनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोम बायोम का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोम बायोम का मतलब क्या होता है ठीक है बस मैं आपसे तीन छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपको बताना है बेटा कि आप एक या दो लाइनें मुझे बताइए कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है निके का मतलब क्या होता है और बायोम का मतलब क्या होता है ठीक है ये ये बेटा बड़े फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में से एक है क्लियर चलिए तो पिछली क्लास में हमने देखा था बेटा हैबिटेट के बारे में निके के बारे में और हमने झील की कहानी के बारे में भी बात की थी हमने कि झील में क्या कहानी चल रही थी हमने अपने मैंने अपने घर की कहानी भी आपको बतलाई थी याद आया ठीक है चलिए है ना तो याद रखना बेटा कि केवल कहानी कहानी याद मत रखना कहानी के अंदर जो तथ्य निकल के सामने आए ना जिस पर्पज के लिए कहानी सुनाई गई थी वो पर्पज भी याद रखना पता चला कहानी तो याद है परपज भूल गए है ना ठीक है ऐसा मत करना भाई चलिए तो आज हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुनो कि क्लाइमेटिक फैक्टर टोपोग्राफिक फैक्टर एडेफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर चारों फैक्टर के मिलने पर क्या मैंने कहा चारों फैक्टर कहलाते हैं इन्वामेंटल फैक्टर के पर्यावरणीय कारक चार तरह के होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर टोपोग्राफिक फैक्टर एडेफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब होता है टेम्परेचर रेनफॉल विंड वेलोसिटी के ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर आता है टीके जब हम टोपोग्राफिक फैक्टर की बात करते हैं तो टोपोग्राफिक तो फैक्टर बेटा क्या आता है उसके अंदर आता उसके अंदर जो है वो आता है ज्योग्राफी ऑफ दी अर्थ के हम अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं हम के फिर जब हम एडेफिक फैक्टर की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं हम बात करते हैं सॉइल की, है की बात करते हैं कि सॉइल वहां पर किस तरह की है और जब हम बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं बेटा तब क्या होता है तब बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तब होता यह है कि हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज की और उनके बीच होने वाले इंट्रैक्शन की तो एक एक वर्ड जो कंफ्यूज करता है वो है एडेफिक फैक्टर तो एडेफिक फैक्टर का संबंध किससे होता है बेटा सॉइल से होता है किससे होता है उसका संबंध सॉइल से होता है ठीक है भूलना नहीं हमको ठीक है चलिए तो इसका मतलब यदि आप बायोटिक फैक्टर को हटा दें

कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है ठीक जहां की जिस तरह की ज्योग्राफी होगी उस तरह का वहां पर क्लाइमेट होगा ठीक है जिस तरह का क्लाइमेट होगा उस तरह का वहां पर सॉइल टाइप होगा जिस तरह का सॉइल टाइप होगा उस तरह के वहां पर प्लांट लगेंगे और जिस तरह के प्लांट लगेंगे उस तरह के एनिमल वहां मिलेंगे मतलब सब कुछ आपस में इंटरडिपेंडेंट है ठीक है चलिए क्या लिखा है हैविंग रियलाइज दैट द एबाटिक कंडीशन ऑफ मैनी हैबिटेड मे वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम देखिए अब बड़ी मजे की बात है के, कहने का मतलब ये है आज, for example, कि आज फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप भोपाल में रहते हैं अभी या पटना में रहते हैं आप ठीक है लखनऊ में रहते हैं तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी बेटा कुछ दिन पहले ठंड के तब ठंड काफी तेज पड़ रही थी पहले गर्मी पहले समर के मौसम में जोरदार गर्मी पड़ रही थी फिर विंटर आया ठंड भी जोरदार पड़ रही है जब ठंड खत्म हो जाएगी तो आपको पता है मई में क्या होने वाला है जमकर गर्मी पड़ने वाली है इसका मतलब यह है कि हमारे जो जो हाँ हम रहते हैं उन हैबिटेट में कई बार क्लाइमेटिक परिवर्तन होने से क्लाइमेट चेंज होने पर कंडीशन जो है वो एकदम उल्टी आती है जहां जोरदार ठंड पड़ रही थी वहां जोरदार गर्मी पड़ती है जैसे मेरा जो नेटिव प्लेस है मध्य प्रदेश है विदिशा विदिशा में गर्मी बहुत जमकर पड़ेगी ठंड बहुत जमकर होगी ऐसे ग्वालियर में यही हालत है एमपी के अंदर क्योंकि मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं बेसिकली तो वहां पर मुझे मालूम है कि रहता मैं महाराष्ट्र में हूँ लेकिन प्रदेश में मैं, मैं पला बड़ा हूं और वहीं मैंने एजुकेशन लिया है तो मैं जानता हूं कि वहां पर ठंड भी जोरदार पड़ेगी गर्मी भी जोरदार पड़ेगी जहां महाराष्ट्र में मुंबई में हूं यहां पर जो है इतना इतना सीजनल वेरिएशन देखने हमको नहीं मिलता यहां पर अब जो है हम इतना जानते हैं कि एबायोटिक कंडीशंस Of many के अब इसका कहने का मतलब ये कि कई के अंदर जो climate है, जो 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 है, 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 है जलवायु हैं, जिस में एक वो इंटरेक्ट कर रहा है वो वक्त के साथ साथ बदलता चला जाता है साल के दौरान जब मौसम बदलते हैं कंडीशन बदल जाती है ठीक है वी कैन वी नाउ आस्क हाउ डू डी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट और मैनेज विथ स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब जहां पर कभी ऑप्टिमम टेम्परेचर था ठीक ठाक तापमान था अनुकूलतम तापमान था वहां पर इस वक्त जो है वो हाई टेम्परेचर हो चुका है मान लिया ठीक है या लो टेम्परेचर हो चुका है तो अब एनिमल अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा इसके अकॉर्डिंग कैसे जानवर अपने आप को एडजस्ट करेंगे ऑर्गेनिज अपने आप को एडजस्ट करेंगे इस तरह के हैबिटेट में जहां पर की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो काफी हद तक बदलती है ठीक है तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज इसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज अब देखो बेटा एक हैबिटेट जो है ना वो तो उसके रहने के जीव की रहने की जगह उसका एड्रेस हेट के अब उस हैबिटेट में मौसम बदला है तो हैबिटेट के अंदर का देखो मौसम बदला है मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट में परिवर्तन आया और फिजिकल इनवायरमेंट में परिवर्तन आया है इसका मतलब तो सेट करेगा वो देखेंगे हमने दो अलग अलग मौसम में हमने तस्वीर ली के एक तस्वीर ली गई है समर में ठीक है और एक ली गई है विंटर में आप देख सकते हैं एक ही एरिया है एक तस्वीर जो है वो ये एक ही खेत की तस्वीर है ये तस्वीर जो है वो नवंबर दस के आसपास की तस्वीर है ये और ये तस्वीर जो है वो आपकी मई जून के आसपास की तस्वीर, तस्वीर है ठीक है आप देख रहे हैं कि एक ही जगह लैंड पार्सल है एक ही जगह जमीन का टुकड़ा है एक अवस्था में आप देख रहे हैं कि आपको जब विंटर था नवंबर का महीना था हरियाली दिखाई पड़ रहा है गेहूं की फसल लहरा रही है मई जून का महीना है खाली खेत जो है वो पड़ा हुआ है इसमें और आप देख रहे हैं मिट्टी सूख सी रही है अब बताइए आप कि जो जीव यहां रहते होंगे जो इंसेक्ट यहां रहते होंगे जो इकोसिस्टम यहां पर प्रेजेंट होगा उसको तो बड़ा ड्रास्टिक चेंज को फेस करना पड़ रहा है बड़ा परिवर्तन महसूस करना पड़ रहा है उसको देखिए तस्वीर में आपको समझ में आ रहा है कि दो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हिस्से एक ही जमीन का, का एक ही जमीन के फोटोग्राफी में टाइट ये तो हमने खुद खेती किया देख के बनाया हमने कि क्या खेत, खेत जब फसल निकाल लिया तो क्या हाल हुआ उसका गर्मी में क्या हुआ ठीक बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई क्या करते हैं जीव के शुड परहैप आज फर्स्ट वाई ए हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शुड बॉर्डर ऑर्गेनाइज आफ्टर ऑल के तो सबसे पहले अब देखो पहले तो हमने ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि जीवित जीव जब फिजिकल इन्वायरमेंट बदल गया है हैबिटेट के अंदर फिजिकल इन्वायरमेंट फिक्स नहीं है वो बदल सकता है के. याद रखिएगा किसका हैबिटेट सबसे सुरक्षित है आपको पता है किसका हैबिटेट सबसे अधिक सुरक्षित है जहां पर फिजिकल में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वो है महासागर के याद रखिएगा महासागर ओशियन जो होते हैं उनका इकोसिस्टम सबसे अधिक स्टेबल स्टेबल मोस्ट इकोसिस्टम के जिसके अंदर सीजनल वेरिएशन का फर्क नहीं पड़ता है समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर जो आपका ओशियन के अंदर जाएंगे आप डीप ओशन में जाएंगे तो कहां कब सर्दी हुई कब बरसात हुई कब गर्मी पड़ी किसी को कुछ नहीं मालूम ठीक है समुद्र के अंदर एक समान जो है वो जो है फिजिकल इन्वायरमेंट बना होता है वो जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट के बड़े परिवर्तन है वो लैंड पर होते जमीन पर होते क्लियर तो आप पहली बात तो अब हमने कहा कि जो फिजिकल एनवायरमेंट बदलेगा तो जीव क्या करेंगे लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जीवों को क्यों उसकी चिंता करना चाहिए यानी व्हाई इज हाइली वेरी एक्सटर्नल एनवायरमेंट शुड वदर ऑर्गेनिज़ आफ्टर ऑल के सिंपल सी बात है कि हर जीव जो है हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका अपना एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेंपरेचर जिसको वो सहन कर सकता है एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बोल दीजिए एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बोल दीजिए जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट उसको चाहिए उसका एक ऑप्टिमम रेंज ही उसके लिए बेहतर है यदि वो रेंज रेंज ऑफ टॉलरेंस के बारे में बात किया था हमने यदि वो रेंज में टू मच है और टू लिटिल है बहुत कम है और बहुत ज्यादा है तो ऑर्गेनिज सर्वाइव नहीं कर पाएगा जोन ऑफ इनटॉलरेंस ठीक कम है जितना चाहिए उससे कम है और जितना चाहिए उससे थोड़ा सा अधिक है तो ये हो गया जोन ऑफ स्ट्रेस तनाव में रहेगा जीव लेकिन ग्रो करेगा

धीमे धीमे बदल रहे हैं उनके और हैबिटेट के बदलने से क्या हो रहा है कि जो जीवित जीव है उन्हें वहां वहां पर पर रहने में जो वहाँ पे जीव रह रहे थे उस है हैबिटेट में उन्हें जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ठीक है कहने का मतलब यह है कि पर जो आवास है अब देखिए सिंपल सी बात है। मैं आपको बताता हूं कि हैबिटेट लॉस बिल्कुल सिंपल सा जनरल आपको एग्जांपल देता हूं मैं कैसे जो है वो कोई चीज जो है वो आ, जीवों को मजबूर करती है स्टेप लेने के लिए चलिए हम अभी इस चीज़ को भूलते हैं एक बड़ा सिंपल सा ह्यूमन एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने भोपाल के पास में एक बड़ी अच्छी सी कॉलोनी बनी थी एक भोपाल में एक जगह है कोलार रोड जो भोपाल के बच्चे होंगे जानते हैं तो चलिए अभी समझते हैं भोपाल में जो मेन सिटी है उससे थोड़ी दूरी पर जो है एक कॉलोनी बनना शुरू हुई कोलार रोड पर उस कॉलोनी का नाम था क्वालिटी होम्स के बड़ा सुंदर सा उन्होंने मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाए थे उन्होंने अच्छे सुंदर से बड़े बड़े फ्लैट यानी वो फ्लैट डुप्लेक्स टाइप के फ्लैट थे उस समय भोपाल के अंदर वैसे फ्लैट नहीं बनते थे दस पंद्रह साल पुरानी कहानी है इतने के पंद्रह या बीस साल हो गए होंगे इस चीज को तो पंद्रह बीस साल पहले वैसे फ्लैट वहां बनते नहीं थे पहली बार लोगों ने तो दिखा रहे वह फ्लैट भी इतने सुंदर हो सकते हैं छोटे शहर में लोग जो है वो फ्लैट फ्लैट को प्रमोट नहीं मतलब ज्यादा खुश नहीं होते उसको लेके उनको लगता है फ्लैट तो जो है वो बड़े शहरों की चीजें छोटे शहरों में तो बंगला लेना चाहिए लेकिन उन्होंने फ्लैट बड़े सुंदर फ्लैट बनाए

पहले ट्यूबवेल से पानी निकालते थे पानी को बड़ी टंकी में डाल के फिर वो सब सब सारे फ्लैट फ्लैट के जितने भी लोग रहते थे उनको वाटर का सप्लाई होता था फिर धीमे धीमे बोरवेल जो है एक दो साल बाद बोरवेल ने काम करना बंद कर दिया उन्होंने कहा भैया पानी नहीं निकल पा रहा कम पड़ रहा है पानी तो फिर टैंकर बुलाना शुरू किया उन्होंने अब टैंकर आता टैंक वाटर को स्टोर करते थे अब बोरवेल पूरा सूख गया और टैंकर की सप्लाई महंगी हो गई और हुआ ये कि टैंकर अब पूरे शहर में पूरे शहर में वाटर का प्रॉब्लम थोड़ा हुआ गर्मियों में तो टैंकर वाले ने बोला कि भाई इतना पानी आपको नहीं दे पाएंगे हमें और भी कॉलोनी में वाटर देना पड़ता है अब लोगों को पानी बचाना पड़ा कम खर्च किया पानी फिर कई बार टैंकर ना आने कारण लोगों को जो है वो पानी की समस्या का सामना करना पड़ा तो हुआ ये कि जो कॉलोनी एक समय बड़ी आबाद बड़ी अच्छी कॉलोनी थी उसके अंदर वाटर एक ऐसा फैक्टर बन गया है जिसके चलते जो है लोग वहां पे बोल रहे हैं यार यहां पे नहीं रहते कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि तो पानी का बड़ा प्रॉब्लम है यहां पे वाटर का बड़ा प्रॉब्लम है लोगों ने अपने फ्लैट छोड़े जो मेडिक जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं मेडिकल के इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं उनको उन्होंने फ्लैट किराय पर दे दी क्योंकि लोगों के जो लो, स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है फैमिली में पानी ज्यादा खर्च होता है और खुद वो अपना फ्लैट किराए पर दे वो किराए से किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो गए जहां वाटर का बेहतर अरेंजमेंट था क्या हुआ इस केस में इस केस में हुआ ये कि दरअसल एक फिजिकल फैक्टर जिससे वो इंटरफेयर वाटर वाटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर के ये क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे हम हम ये रिसोर्स की बात कर रहे हैं वो उस वो चेंज हुआ कम पड़ने लगा शिफ्ट कर गए लोग लोगों ने रहने की व्यवस्था बनाई लोगों ने कहा भाई देखो आप अपने घर में हम टंकी लगाएंगे अपना टैंकर पर्सनल बुलाएंगे हम हमें नहीं मालूम कॉलोनी के टैंकर से हम अपना टेंकर लोगों ने अपने फ्लैट में जो इन्होंने कहीं बड़ी बड़ी टंकियां लगा ली उन्होंने के तो कुल मिलाकर बात यह हुआ कि पूरी व्यवस्था जैसी थी उससे वो बदलती चली गई फाइनली आप आज यदि आप उस कॉलोनी में कभी जाएंगे तो आपको लगेगा केवल स्टूडेंट वहां रहते हैं अब फैमिलीज कम हो चुकी है आधे फ्लैट बंद पड़े हुए हैं सच्चाई यह है कि ये आप जब आप इंट्रेक्शन करते हैं किसी रिसोर्स के साथ में तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन क्या है उसके ऊपर वर्डन कितना है यह बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अभी हम जो बात कर रहे हैं कि अभी हम नेचुरल अभी हम नेचुरल करने ये तो मैंने आपको ह्यूमन एग्जांपल दिया कि भाई मनुष्य के हमने एक हमनेलॉजी स्टेब्लिश किया अब यहां पर क्या हो रहा है यहां पर भी यदि हैबिटेट लॉस की बात कर चेंज की बात कर रहे हैं हम तो क्या हुआ कि

ट्री इको सिस्टम होता है याद रखिएगा एक वृक्ष अपने आप में एक ट्री इको सिस्टम होता है ठीक है इसके अलावा आप लगातार शहरीकरण कर रहे हैं लगातार सिटीज को बसा चला रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो है पहाड़ों को काट रहे हैं आप आप जो है सड़क खेतों को आपने जमीन को हटा के वहां पर रोड्स बना दिए आपने तो कुल मिलाकर बात ये कि आप इकोसिस्टम को फ्रेगमेंट कर रहे हैं तोड़ रहे हैं उसको आपके एक बड़े से बायोम को कई हिस्सों में तोड़ दिया आपने और तोड़ने पर उसकी कई सारी नेचुरल प्रैक्टिस बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है इस पर हम आगे बात करेंगे जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे अभी हमारा पॉइंट इस बात पर है कि जब कभी इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलती है फिजिकल इन्वायरमेंट बदलता है चाहे वो मैन इंड्यूस्ड हो चाहे वो नेचुरली हो उससे हैबिटेट पर असर पड़ता है और यदि हैबिटेट पर गंभीर असर पड़ेगा तो वहां जो जो एनिमल रह रहे हैं वो अपने आप को जो वहां पे जो जीव रह रहे हैं वो अपने आप को किसी भी तरकार तरीके से इस लायक बनाएंगे कि वो बदले हुए इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर सके या कोई और तरीका खोजेंगे कि कैसे वो जीवन को बचा सके प्रकृति में जीवन को बचाने की लगातार कोशिश की जाती है और ये एक नेचुरल फिनोमिना है वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मैनी स्पीसीज वुड हैव इवॉल्व ए रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल विथ इन बॉडी इन्वायरमेंट दैट परमिट्स ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजोलॉजिकल रिफंक्शंस टू प्रोसीड विथ मैगजिम इफिशंसी एंड दस एनहांस दल फिटनेस ऑफ द स्पीसीज देखिए नंबर एक अब यहां पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस स्टेटमेंट के अंदर हैं। पहली बात तो ये बेटा कि हम जो है रिकॉल करते हैं कि फिटनेस ऑफ स्पीशीज़ का मतलब क्या है फिटनेस ऑफ स्पीसीज का मतलब ये है कि एक प्रजाति जो है एक स्पीसीज कितने जीवों को उत्पन्न कर सकती है कितने जीवों को रिप्रोड्यूस कर सकती है वो और उसमें जो रिप्रोड्यूस किए गए उसमें से कितने अधिक जीव जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं जिस स्पीसीज के जितने अधिक जीव सर्वाइव करेंगे जितना अधिक वो रिप्रोडक्शन करेगी हम बोलेंगे उस स्पीशीज का फिटनेस लेवल उतना बेहतर है तो यहां पर फिटनेस का मतलब फिजिकल फिटनेस से या बॉडी बिल्डिंग से नहीं है यहां पर फिटनेस का मतलब है कितना अधिक रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है और रिप्रोड्यूस की गई संतानों में से ऑफ स्प्रिंग में से कितने सर्वाइव करते हैं दैट इज फिटनेस इन नेचर डार्मिडिज़ में पढ़ा है याद आया कि नहीं आया ठीक है दूसरी बात अब जैसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिस होता है सेल के अंदर हम कहते हैं क्रैब साइकिल होता है हम जो भी होता होता है होता है ब्रीथिंग हम बहुत सारे फिनोमिना हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ा हमने हमने प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ा हमने तो जितनी चीजें आपने पढ़ी है ना वो रातों रात डेवलप नहीं हुई है एक ग्लाइकोलिसिस को डेवलप होने में एक वर्ष से अधिक का समय लगा मोर देन वन थाउजेंड ईयर्स जो है एक मेटाबॉलिक पाथवे को पूरा इवॉल्व होने में लगा है ये मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ा हाल ही मेट के मतलब अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं कि दैट मे बी पॉसिबल कि मोर देन वन थाउजेंड ईयर यानी ग्लाइकोलिस के दस स्टेप को डेवलप होने में प्रकृति को एक हजार वर्ष से अधिक का समय लग गया था पहले के समय में सबसे पहला मेटाबॉलिक पाथ पे कोई बना वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करने वाला बना ग्लाइकोलिस का पाथ पे बना ठीक है एनआरबिक पाथवे पहले बना फिर बाद में एरोबिक यूटिलाइजेशन हुआ माइट्रोकॉन्या आए वहां पे जो है क्रैप साइकिल इवॉल्व हुआ तो हर एक मेटाबॉलिक पाथवे इसको आप पढ़ते हो ना उसको डेवलप होने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगा है मिलियंस ऑफ ईयर लगे तब जाके वो पाथवे डेवलप हुआ है और जो भी डेवलप हुआ है उसने अपनी उसने प्रकृति के अकॉर्डिंग एक अपना मेटाबॉलिक उसके जो एंजाइम है अब देखिए मेटाबोलिक बीस से लेकर डिग्री सेल्सियस के में मैक्सिमम काम करना है फोर्टी फाइव डिग्री से ऊपर टेम्परेचर क्या एंजाइम जो है कॉगलेट कर जाते हैं लेकिन वहीं पर एक प्रोटोजोआ है थर्मस एक्विटिकस थर्मस एक्विटिकस के पास में जो है वो टेक पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है टेक पॉलीमरेज और टेक पॉलीमरेज का इस्तेमाल उसका नाम एंजाइम का नाम है

एग्जाम्पल जियो फाइटिक प्लांट अधिक टेंचर को बर्दाश्त कर सकते हैं ठीक है जो जो साइक्रोफाइट्स हैं वो लो टेम्परेचर में ग्रो करते हैं हेलियोफाइट्स हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं जो स्क्योफाइट हैं लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं तो हर एक ने अपने जीवन का एक रास्ता ढूंढ लिया और उस पर वो चल रहा है लेकिन यदि सडनली इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगी तो उसको झटका लगेगा जीव को ये तो हमारे हमारे सिस्टम में है ही नहीं है तो

स्टे से मतलब होता है स्टेबिलिटी स्थिर इस्टेव, ठीक है तो मतलब ऐसी कंडीशन जो इंटरनल एनवायरमेंट बाहर कुछ भी हो रहा हो बॉडी की सेल अपने इंटरनल एनवायरमेंट को स्थाई बनाए रखने में रोल प्ले करती है क्योंकि मालूम है कि यदि अंदर का एनवायरमेंट सेल के अंदर के इन्वायरमेंट में यदि चेंज हुआ ना तो पूरी की पूरी मेटाबॉलिक पाथवे फेल हो जाएंगी और जीवन खत्म हो जाएगा तो जीवित जीवों की एक क्षमता होती है लिविंग सेल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें होम्यो की एबिलिटी होती है और वो जो होम्यो की एबिलिटी होती है वो लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपने इंटरनल एन्वायरमेंट को स्टेबल या कांस्टेंट बनाए रखना ठीक है जैसे प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर अधिक वाटर अंदर आ गया उसके तो वो वाटर को बाहर निकालता है ऑस्मो रेगुलेशन करता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से वाटर को बाहर निकाल देता है हमने अधिक पानी पिया तो अधिक यूरिन पास करेगा करेगा व्यक्ति ठीक है हमने पानी कम पिया है तो कम यूरिन पास होगा ताकि वाटर बैलेंस बॉडी के अंदर बना रहे तो ऑस्मो रेगुलेशन भी होमियोस्टोसिस के अंदर ही शामिल होता है ठीक अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जीवित जीव क्या करते हैं जो है वो यदि बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलती है तो क्या करते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एनसीआरटी के अंदर ही दिया गया है वो है

जब पहली बार उसको डेवलप किया गया तो देखिए अब क्या विज्ञापन में लिखा हुआ है वर्ल्ड फर्स्ट टेक होम एयर कंडीशनर घर ले जाके लगा रहा एयर कंडीशनर ठीक है मतलब ये कि पहले के जमाने में जो एयर कंडीशनर हुआ करते थे कई कई साल पहले वो एयर कंडीशन ऐसे होते तो थे कि जिनको आप घर में नहीं लगा सकते थे बड़े कमर्शियल होते थे अब सोचिए आपके कि एयर कंडीशनर ने हमारी लाइफ में क्या चेंज किया होता क्या है जैसे मुझे अच्छे से ध्यान रख बॉम्बे में तो खैर इतना नहीं मालूम चलता बॉम्बे में टेम्परेचर उतना वेरी नहीं करता है और बॉम्बे में हर बिल्डिंग में कॉर्पोरेट पार्क में ए सी लगा हुआ है भोपाल के अंदर जब मई के महीने में जोरदार गर्मी पड़ती थी मई जून में मतलब पिछले जब चार पांच जब मैं वहां था मतलब टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन की बात है उस जमाने में चार पांच छह साल पहले खूब गर्मी पड़ती थी अभी भी गर्मी काफी पड़ती है तो दिन के समय था था। ये था दिन का समय जो है ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि वो सुप्त डॉर्मेंट्स लोग दिन में घर सड़कों में बाहर नहीं निकलते थे घरों में ऑफिस में एयर कंडीशन चल रहे होते थे एसी ने क्या किया कि देखिए आपको पता है कि अब जो है कॉर्पोरेट ऑफिस में एयर कंडीशनर क्यों होते हैं ऑफिस के अंदर हम एसी क्यों प्रोवाइड करते हैं बायोमेंट्रक्स का अपना जो बेटा ऑफिस है इसमें भी हमने बकायदा हर जगह पर एयर कंडीशन इंस्टॉल किए हुए हैं हम लोगों ने इनफैक्ट हमारे एक ऑफिस के जो के, के जो है वो हमारे दो तीन office यहां पर हैं जो के लिए काम करते हैं उनमें हमने जो जो है 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 वो वो वाला होता, है, centralized air होता है, वो भी fit करा रखा बैठ के काफी कुछ काम कर रहे हैं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप इरिटेट हो जाएंगे आपको लगेगा गर्मी लगेगी पसीना आ रहा स्वेटिंग हो रहा होगा यू फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल फील करेंगे आप या आपको लग कि यार अब हमसे नहीं बन रहा है बहुत ज़्यादा इरिट मतलब गर्मी में व्यक्ति ऐसा होता है ना इरिटेट हो जाता है आता है काफी गर्मी रहता है वैसा फील होगा आपको लेकिन वही टेम्परेचर जी 24, 25 ट्वेंटी टेम्परेचर होगा आपका पच्चीस 26 छब्बीस डिग्री सेल्सियस टेम्पर जो आपके लिए बेहतर है ऑप्टिमल ना तो वो ठंडा है एकदम ना वो गर्म है तो आप बोलोगे कि ये बढ़िया टेम्परेचर है यहाँ पर हमको ना तो स्वेटिंग हो रही है और हमारी वर्क इफिशेंसी बढ़ जाती है कई सर्वे ऐसे जो मालूम होता है कि जिन ऑफिस के अंदर बेहतर एयर कंडीशनर लगा होता है वहां पर काम करने की दक्षता इफिशियंसी बढ़ जाती है अब मान लो यही हम ठंडे देशों में बता रहे यूरोपियन कंट्री में आप कभी जाओगे तो वहां पे देखोगे आपके वहां पे हीटर्स लगे हुए रूम हीटर्स लगे हुए हैं वहां पर यदि आप टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस थ्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ती तीन डिग्री सेल्सियस तापमान है अब आदमी ठुटरेगा ओढ़ेगा रजाई के अंदर जो है छेद करके मुंह निकाल के ओढ़ लेगा उसको कुछ ना कुछ तो करेगा तो काम कैसे करेगा भाला

एक्सट्रीम कोल्ड में एक्सट्रीम हीट में आपने अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर बना लिया है और उसके कारण आप अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी पर काम कर पा रहे हैं। यहां पर परिवर्तन जो है आपकी बॉडी के अंदर नहीं हुआ आपने फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया इंसान कितना तेज है बाकी एनिमल एडॉप्टेशन कर रहे हैं बाकी एनिमल या तो माइग्रेशन शो कर रहे हैं या एडॉप्ट कर रहे हैं हाइबर नेशन कर रहे हैं एस्टिवेशन कर रहे हैं शीत निंद्रा में जा रहे हैं ग्रीष्म निंद्रा में जा रहे हैं दिन में छिप कर बैठे हुए हैं इंसान ने तो फिजिकल एनवायरमेंट को अपने हाथ में लेके ए बनाया उसने कहा ले अब लगाओ गर्मी हम तो ठंड का मजा नहीं मतलब बाहर इतनी गर्मी है कि वहां पर ऐसा लग रेगिस्तान बन गया है ऊट रहना चाहिए यहां पे लेकिन घर के अंदर ए चला के इतनी ठंडी कर लिए कि ऐसा लगता है कि पे पोलर घूम रहा होगा आसपास कहीं पर के आप देखिए कि इस एक, एक एडवर्टाइजमेंट ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया का एड है किसने बताया कि इतनी गर्मी बाहर की रेगिस्तान है ऊट दिखाई पड़ रहा है आधी पिक्चर में और ए एस, सी को लगाओगे तो इतना ठंडा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप पोल्स पे आ गए हो इतना ठंडा भी कर सकता है ठीक है ठीक इवन स्पाइडरमैन जो है उसको बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है क्योंकि तो उसको लगता है कि बाहर बहुत गर्मी है अब बाहर चाहे आग लगी हो चाहे कुछ हो रहा हो गर्मी इतनी है कि स्पाइडरमैन ने डिसाइड किया है कि हम तो ए सी चला के सोएंगे आराम से ठीक है तो आप समझ सकते हैं अब एन सी आर क्या लिखता है इस पर सपोज ए पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज हर बेस्ट वेन द टेम्परेचर इज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड विशेष टू मेंटेन इट सो इवन वेन इट इट्स स्कॉचिंग हॉट और द फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड के अब वो चाहता है कि सबसे एक एक व्यक्ति जो है वो ट्वेंटी फाइव डेज है बेहतर काम कर सकता है अब वहाँ चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो आपने इसको जो है वो आपने इट खूड बी अचीव एट होम इन इन दी कार वाइल ट्रैवलिंग एंड एट वर्क प्लेस बायजिंग द एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर इन दिन आपने ठंडों में आपने हीटर का इस्तेमाल किया गर्मियों में आपने एयर कंडीशनर इस्तेमाल किया और आपने ओवरऑल टेम्परेचर को मेनटेन रखा इससे व्यक्ति की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है चाहे वेदर बाहर कैसा ही हो यहां पर पर्सन ने व्यक्ति ने अपनी जो को होम्योस्टिथिस किया उसने अपनी समान कंडीशन को जो स्टेबलिस किया है वो उसने फिजियोलॉजिकल तरीके से अपनी बॉडी के जरिए नहीं किया उसने आर्टिफिशियल मीन से किया उसने कृत्रिम तरीके से किया है ठीक है आई बात समझ के अब देखिए ये तो बात हमने की हमने ह्यूमन बींगस के इंटेलिजेंस की आदमी ने तो अपना फिजिकल उसने आदमी ने कहा कि देखो भैया मेरे पास वक्त कम है कि मैं सोचूं कि तुम कि 200 सौ वक्त में मैं तुम्हारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडोप्ट हो जाऊं मैं

ये क्या है बेटा आईबीज वर्ड्स हैं ये सब जो है वो वार्म ब्लडड एनिमल है के हम सब वार्म ब्लड एनिमल हैं मतलब हम लोग क्या हैं हम जो है वो होमियोथर्म हैं होमियोथर्म का मतलब क्या होता है बेटा हम लोग क्या हैं हम हैं होमियो थर्मे ठीक है हम एंडोथर्म एनिमल हैं ठीक है, है हम रेगुलेटर एनिमल हैं हम, ठीक है ठीके? हम का मतलब एक ही है, में में के, का मतलब है कि हमारी बॉडी बाहर तापमान चाहे कुछ भी हो हमारी बॉडी हमारा टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी गर्मी होगी बाहर तो हम स्वेटिंग करेंगे पसीना आएगा पसीना जब इवोपरेट होगा तो ठंडक होगी बॉडी को ठंड मिलेगा जैसे कूलर काम करता है ना डेजर्ट कूलर कूलर में क्या होता है कूलर में आप कूलर को ऑन करते हैं आप बाहर गर्म बाहर से गर्म हवा लेता है फिर जो उसके अंदर जो जो आप वाटर का जो फॉल होता है जो मैट लगी होती है उससे हवा जब निकलती है तो वो हवा जो है उसमें मॉइस्चर बढ़ जाता है तो कूलर वैसे ठंडक हवा को ठंडक थंड़, थंड़, का एहसास हमको मिलता है उससे तो वही नेचुरल बॉडी में हमारी बॉडी में भी नेचुरल कूलर लगा हुआ है कि जब है ना जब जो है वो पसीना इवोपरेट करता है तो वही जो है वो ठंडक का एहसास हमें होता है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम गर्मियों में जो है वो पसीना स्वेटिंग आने से अपने आप को ठंडा रखते हैं और ठंड में क्या होता है हम कप होती है मैसे उससे कहता है कि मस्कुलर होने पर हम हीट को जनरेट करते हैं और उस हीट से हम अपनी बॉडी मतलब, मतलब बाहर का वातावरण कुछ, कुछ, कुछ भी हो अंदर का वातावरण जो है वो फिक्स रहेगा अंदर का वातावरण जो, जो है वो एकदम फिक्स रहेगा देखिए एकदम फिक्स है, है हमने कहा ये एकदम फिक्स है रेगुलेटर ठीक है बाहर चाहे कितनी गर्मी पड़े अंदर का वातावरण एकदम जो है वो फिक्स ना मेमल्स होते, होते, है? होते हैं जब बाहर गर्मी पड़ी तो उनका शरीर जो है वो गर्म होने लगा बाहर ठंड पड़ी शरीर ठंडा होने लगा मतलब ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये होते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल एक्टो मतलब बाहर टेम्परेचर का नियंत्रण बाहर से हो रहा है एक्टोथर्मिक एनिमल और जो हम है हम क्या है हमें एंडोथर्मिक एनिमल टेम्परेचर का कंट्रोल एंडो मतलब अंदर से हो रहा है तो एंडोथर्मिक एनिमल है वो एक्टोथर्मिक एनिमल है ब्लड ब्लडेड एनिमल है ठीक है अब ये जो एनिमल है इनमें क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि बाहर गर्मी पड़ी तो इनका शरीर गर्म होने लगा तो इनके पास एक ही उपाय शरीर गर्म हो गया तो ये मर जाएंगे तो ये अंदर अंदर जो जमीन में घुस कर छेद करके गुफा बना के कहीं पर ठंडे छिप है, जाते हैं सो जाते हैं But it's important to inform you. You should download Biomentor's app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentor's. Bye-bye. Continue your lecture. <laughs> <laughs> तो कुल मिलाकर ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो कहलाते हैं कन्फर्मर उनको बोला हमने कन्फर्मर के तो कंफर्मर क्या है बाहर का वातावरण बदला तो इनका ये कन्फर्मर जो है इनका इनके वातावरण बदल गया ये कन्फर्मर होते हैं ठीक है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक हद तक एक लिमिट तक अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं एक लिमिट तक अपनी बॉडी को वो एडजस्ट कर सकते हैं एक लिमिट तक उसके बाद उसके बाद ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो होते हैं पार्शियल रेगुलेटर ये पार्शियल रेगुलेटर ठीक है एक लेवल तक तो टॉलरेट किया उन्होंने जीवित जीव, जीव जो है वो देखो हमने तो क्या किया हमने तो एसी लगा लिया एनसीआरटी ने बताया कि एसी लगा लिया इंसान ने तो इंसान को दिक्कत नहीं है. बाकी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं जब इनवायरमेंटल कंडीशन बदलती तब क्या होता है नंबर एक पहला ऑप्शन के पास है दे शुड रेगुलेट के सम ऑर्गेज आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टोसिस समटाइम्स बिहेवियरल आल्सो मींस विच समटाइम्स बिहेवियरल मींस विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के देखिए कुछ जीवित जीव ऐसे होते हैं जिनके पास यह क्षमता होती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं वे अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख सकते हैं ऐसे एनिमल को कहलाते हैं रेगुलर। बेसिकली दे आर दी रेगुलेटर्स दे आर दी रेगुलेटर्स ठीक है ऑल वर्ड्स एंड मैमल्स एंड ए वेरी फ्यू लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट बहुत कम संख्या में होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं मतलब टेम्परेचर का नियंत्रण कर सकते हैं थर्मो रेगुलेशन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का नियंत्रण कर सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है तो मतलब यह हुआ कि कुछ जीव ऐसे होते हैं देखिए वाइड वराइटी बड़ी संख्या में जीव ऐसे हैं जो रेगुलेट नहीं कर सकते देखिए सिंपल सी बात है ये बात एनसीआर में भी लिखी हुई है और यह बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसलिए मैं एनसीआर के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को ही ले रहा हूं उन्होंने लिखा है कि चलिए मान लिया हमने कि ए सी लगा के आपकी वर्क इफिशियंसी बढ़ जाएगी मान लिया हमने कि एयर कंडीशनर जो है वो आपकी वर्क इफिशेंसी को बढ़ा देगा और आप ए सी लगा के अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन सच्चाई तो ये है बताइए कि कितने लोग ए सी को अफोर्ड कर सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो एसी जो है तीस चालीस हजार रुपए का एसी खरीद के घर में लगाएं और उसका छः हजार रुपये पाँच हजार महीने का बिल भी बिजली का भरें कितने लोग ऐसे हैं तो हम बोले कि जो जो जो, जो मजदूर व्यक्ति बाहर काम कर रहा है जो किसान खेत में काम कर रहा है छोटा किसान खेत में काम कर रहा है के जो छोटे मोटे व्यवसाय में जो लोग लगे तो आप क्या कहते हैं कि वो सब जो है वो एसी लगाते होंगे पॉसिबल नहीं है क्योंकि जहां पे पहली आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है वहां पर ए जो है वो लग्जरी में आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि एसी जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है एसी यदि आप देखें क्योंकि एसी अफोर्ड करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी यू नीड मोर मनी कि आपको एसी परचेस करना है मेंटेन करना है बिजली का बिल भरना है तो यू नीड मोर मनी मनी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी मान लेते हैं कि हम जो श्रम करते हैं उसी में पैसा आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई जीव अपने आप को रेगुलेट कर रहा है रेगुलेट कर रहा है रेगुलेशन की क्षमता है मतलब वो मोर एनर्जी खर्च कर रहा है इट्स एन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस महंगी प्रक्रिया है वैज्ञानिक इवोल्यूशन के जो वैज्ञानिक इवोल्यूशन में काम कर रहे हैं वो मानते हैं इस बात को कि जो मैमल्स हैं उनकी सक्सेस का बड़ा कारण यही है कि वे अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं और वे अंटार्कटिका से लेकर सहारा डेजर्ट तक रह सकते हैं क्योंकि अपने इंटरनल इन्वामेंट को वो कंट्रोल कर सकते हैं एक स्थिति में बनाए रखते हैं इसका मतलब यह हुआ बेटा कि

और गर्मी होगी तो स्वेटिंग होगा पसीना आएगा हमें हम हीट को लूज करेंगे ताकि टेम्परेचर बॉडी का नियंत्रण में रहे इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन अवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट प्रोफ्यूज के हमें पसीना आता है द रिजल्टिंग कूलिंग और इससे कूलिंग होती है जैसे कूलर में होती है वैसी कूलिंग होती है कि आपका जो जो, जो पसीना आएगा और वो, वो वो आपका जो स्वेट है वो उसको इवोपरेट करेगा वो तो आपको आपका हीट लूज करेगा हीट बाहर निकलेगा और उससे जो है होगा कि आपको ठंडक का एहसास होगा टिव कूलिंग कहते हैं विंटर में टेंपरेचर जब कम होता है तो हमें शिवरिंग होता है कम, का, हम कप कपी आने लगती है हमको उससे हीट प्रोड्यूस होती है और जो बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखती है ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि हम हमारे समान दूसरे एनिमल भी जो हैं, जो मैमल्स हैं वो भी ऐसा ही कर सकते हैं याद रखिए प्लांट्स के अंदर कोई तरीका नहीं है पौधों में अपने इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करने का कोई तरीका नहीं है इसीलिए आप देखेंगे कि हर जगह की वैश्लेषण जो डेजर्ट की वैश्लेषण है जो मरुस्थल की वनस्पति है जो प्लांट डेजर्ट में दिख रहे हैं वो आपको पोल्स पर देखने नहीं मिलेंगे और जो पोलर ट्रीज हैं जो पोल्स पे आपको जो जो, जो आपको शर्द दिखाई पड़ रही है टुंड्रा फॉरेस्ट में वो आपको डेजर्ट में देखने नहीं मिलेगी क्योंकि प्लांट तो बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए वो अपने इंटरनल एनवायरमेंट को जो है वो बदल नहीं सकते ठीक है तो पहली पॉसिबिलिटी थी कि रेगुलेट कर लो थीके? तो रेगुलेट करने में सफल कौन हुआ रेगुलेट करने में यदि बाहर का फिजिकल इन्वायरमेंट बदलेगा तो रेगुलेट करने में सफल हुआ मैमल्स और बर्ड्स ठीक है कुछ इनवर्टिब्रेट थे जो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन कर पाते हैं फिर बात करते हैं हम कॉन्फर्म की ठीक है एन ओवरहेलमिंग मेजोरिटी नाइनटी नाइन परसेंट एनिमल और सभी प्लांट दे कैन नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल के सोच लीजिए नाइनटी नाइन परसेंट एनिमल

ऐसे एनिमल और प्लांट जो अपने इंटरनल इनवायरमेंट को अपने इंटरनल एनवायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अपने इंटरनल एनवायरमेंट को कॉन्स्टेंट नहीं रख पाते हैं। एक लेवल पर नहीं रख पाते हैं। उनको हम कन्फर्मर कहते हैं वेरी वेरी आई एम पी ने हम कन्फर्मर कहते हैं क्लियर ठीक है देखिए मैंने कहा ना आपसे कि रेगुलेटर वो हो गया बेटा जो बाहर बाहर का एक्सटर्नल लेवल कुछ भी हो वो अपना लेवल फिक्स कर लिए ले। एक लेवल पे नहीं इनका इंटरनल इन्वॉल्व लेवल जो है वो इंटरनल जो है वो लेवल है वो एकदम फिक्स है वो रेगुलेटर के लेकिन बाहर का लेवल चेंज हो रहा है तो इंटरनल लेवल जो है वो बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो रहा है ये है कन्फर्मर तो कन्फर्मर वो एनिमल है जब जो है इंटरनल एनवायरमेंट में चेंज आएगा तो बाहर का एनवायरमेंट भी बदलने लगे बाहर जो, 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 जो बाहर के एनवायरमेंट में चेंज आएगा बाहर एक्सटर्नल लेवल में चेंज आएगा तो शरीर के अंदर का तापमान भी बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा उसके अकॉर्डिंग ठीक है कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट टू दी ऑर्गेनाइज

मच एज they लाइक like. हाउ many पीपल कैन रियली एफोर्ड an एंड कंडीशन कितने लोग एसी को खरीद सकते हैं सच में मैनी सिंपली स्वेड इट आउट के एंड रिजाइन टू सब ऑप्टिवल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ के कई लोग ऐसे हैं जो ए सी को अफोर्ड नहीं करते हैं वो इस बात पर समझौता कर लेते चलो ठीक है थोड़ा कम काम करेंगे पसीना आएगा लेकिन खर्चा नहीं कम कर नहीं कर पाएंगे इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे तो वो वो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस से समझौता कर लेते हैं थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी मैन्य मैंने आपको बताया मैंने आपसे कहा ना कि एसी को चलाने के लिए बिजली का बड़ा बिल आएगा आपका सब कुछ है आपको कि पहले गवर्नमेंट आपको बता दूं कि मेरी वाइफ जो कि वो गवर्नमेंट सर्विस में है तो बताती है वो आ, वो भी इस समय एडिशनल कमिश्नर है मुंबई के अंदर तो बताती है कि जो है पहले के समय में ऑफिस में उनके बॉस वगैरह जो सीनियर बॉस है कभी रिटायर्ड अफसर है उनको मिलते बताते पहले ऑफिस के अंदर ए नहीं होते थे सरकारी ऑफिस में ए का होना मतलब लग्जरी वो ए सी वे सी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते होंगे बाकी तो जो है जितने भी डिपार्टमेंट थे उनमें कहीं पर कोई एयर कंडीशनर का सिस्टम ही नहीं था क्योंकि सरकार बोलती थी खर्चा बढ़ेगा इससे फिर जैसे जैसे सरकार को समझ में आने लगा गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार खर्चा बढ़ेगा लेकिन अभी होता क्या है कि गर्मी इतनी पड़ती है कि ऑफिस के अंदर जिन जो काम होने होते हैं वो काम डिले हो रहे हैं क्योंकि स्टाफ जो है वो अनकंफर्टेबल है लोग जो ऑफिस के अंदर जो बाहर से लोग काम कराने आते हैं वो लोग भी दिन में नहीं आते बोलते गर्मी बहुत पड़ रही है अभी दिन में कहा जाएंगे गर्मी इतनी गर्मी ऑफिस में क्या करेंगे तो सरकार ने फिर सोचा कि नहीं यार हमारे जो एम्प्लॉयज है उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हमको एसी इंस्टॉल करना चाहिए अब आप देखेंगे रजिस्ट्री कार्यालय में आरटीओ के वहां पर तहसील कार्यालय में कलेक्टर के ऑफिस में सब जगह पे या तो एयर कंडीशनर इंस्टॉल कर दिए गए हैं या वाटर कूलर लगा दिए गए जहां पे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं कोई कोई को, जो है अधिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहां पे एयर कूलर लगा दिए गए तो कुल मिलाकर कोशिश की गई है कि टेम्परेचर कम रखा जाए ताकि वर्ग की इफिशियंसी बढ़ सके लेकिन ये पूरी प्रोसेस तो एनर्जी कंज्यूमिंग है खर्चा तो करना पड़ेगा इसके लिए उससे इफिशियंसी बढ़ जाएगी आपकी लेकिन कई जगह पर जहां पर नहीं है जहां पर नहीं है तो वहां पे क्या होगा भाई सब अपने थोड़ा कम काम चलेगा लेकिन खर्चा नहीं कर पाते नहीं करते तो वही बात प्रकृति में है कि प्रकृति में भी वही चीज है कि यदि हम कहें और देखो जो हमारे जो नियम है ना वो प्रकृति के नियम ऑलमोस्ट एक समान ही काम करते हैं थर्मोरेगुलेशन एक ताप नियंत्रण प्रक्रिया होती है बेटा और ये जैसे हम छोटे एनिमल्स की बात करें वो जैसे छोटे चूहे हुए मॉल्स हुए श्रूज हुए और हमिंग बर्ड हुए इनके लिए ये जो है वो बड़ा एनर्जी इनको इसी चीज पर खर्च करना पड़ता है ठीक है एक्चुअली होता क्या है कि हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया के याद है आपको हम लोग साइटोलॉजी में सब सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सरफेस वॉल्यूम रेशियो के बारे में बताया था मैंने कहा था स्मॉलर सेल सेल मोर एक्टिव जितनी छोटी तो सेल होगी उतनी एक्टिव वो छोटी सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम की तुलना में अधिक होता है लेकिन वो छोटी सेल जो होती है छोटे ऑर्गनिज होते हैं अब चलो छोटी सेल छोटे ऑर्गन के साइज की बात करें तो जो छोटे साइज का ऑर्गेज होगा ना उसका सर्फेस एरिया उसके वॉल्यूम की तुलना में अधिक होगा स्मॉलर दी साइज मोर इज द सर्फेस एरिया एज कम्पेयर टू दी वॉल्यूम हायर दी साइज मोर इज साइज लेस एरिया एज कम्पेयर टू वॉल्यूम अब क्या है सर्फेस एरिया वो जगह जहां से हीट का एक्सचेंज होता है छोटा जीव होगा अधिक हीट बाहर निकलेगी अधिक हीट बाहर निकलेगी तो क्या होगा सरफेस एरिया उसका अधिक है तो अधिक हीट बाहर निकलेगी और अधिक हीट बाहर, अधिक हीट बाहर निकलने से उसको अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बड़ा जीव होगा तो कम तो सरफेस एरिया कंपेरेटिवली वॉल्यूम की तुलना में कम है तो हीट लॉस कम होगा उसका देखिए जैसे पोलर बियर आप तस्वीर में देख रहे हैं पोलर बियर गुट के पोलर बियर के कानों पर ध्यान दीजिए आपके ध्यान से देखिए पोलर बियर की के याद रखिएगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो जो, हीट लूजिंग पॉइंट जहां से हीट बाहर निकलती है वो होते हैं ईयर्स ठीक है फिंगर्स इसीलिए आप ठंड के मौसम में आपने टोपा लगाया कि नहीं लगाया इस ठंड में कि आपने कान ढके या नहीं ढके ठंड के, के मौसम में जब बाहर निकलते हैं हम कान ढक लेते हैं ऐसे ठीक है टोपा लगा लेते हैं मंकी केप लगा लेते हैं फिर ग्लव्स पहन लेते हैं दस्ताने हाथों में ठंड ना लगे करते हैं कि नहीं करते साहब दरअसल सच्चाई यही है कि हमारे जो एक्सट्रीमिटीज हैं ये हुए ईयर्स हुए आपके फिंगर्स हुए यहां से हीट लॉस होता ये, ये वो हिस्से हैं जिनका वॉल्यूम कम है सरफेस एरिया अधिक है इनका तो ये हीट लॉस के अच्छे पॉइंट हैं। वॉल्यूम कम है सरफेस एरिया अधिक है इसका हीट लॉस के अच्छे पॉइंट हैं ये समझ गया बात को मतलब तो यहां पे आप कभी देखा पोलर बेयर के आप देखिए ईयर देखिए छोटे साइज के ईयर के, के फिंगर देखिए बिल्कुल छोट छोटी छोटी फिंगर है इसकी क्यों क्योंकि ये हीट लॉस फिर साइज देखिए इसका बड़े साइज का एनिमल है तो किसका मतलब हम कहते हैं कि जो आ, जो ठंडे क्षेत्रों में जो एनिमल पाए जाते हैं उनके एक्सट्रीमिटीज और उनके ईयर छोटे साइज के होते हैं दिस इज दस रूल एलेंड नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था इट इज दूल ठीक है

अपनी बॉडी को ठंडा रख पाता है ठीक है सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम दे टेंड टू लूज हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड एंड देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट दी मेटाबॉलिज के अब छोटे जीव होते हैं उनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम की तुलना में जो है वो अधिक होता है अधिक हीट को वो लूज करते हैं इसलिए उनको अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है अधिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करनी पड़ती है हीट को जनरेट करने के लिए इसलिए छोटे जीव आपको पोलर रीजन में इसलिए आपको जो है रीजन रीजन वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन पोलर अब देखो छोटा छोटा चूहा जो ना वो आपको कहां मिलेगा छोटे शो छोटे मोल छोटे चूहे कहां मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल एरिया मिलेंगे गर्म हिस्से में मिलेंगे वहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं है वैसी ठीक है क्योंकि हीट लूज हो रही है अधिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी बनाए वो वहां मिलेंगे आपको कभी भी आपको पोल्स में चूहे या छोटे साइज के मैमल्स आपको देखने नहीं मिलेंगे

और घर में एसी लगा लिया उसने आठ हजार रुपए महीने का बिल आ रहा है एसी का बिजली का बिल दिन रात एसी चल रहा है क्या ये समझदारी है क्या होगा फाइनली फाइनली वो इस एसी को मेंटेन नहीं कर पाएगा और सिस्टम खत्म हो जाएगा आर्थिक नुकसान होगा बड़ा उसको खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि खर्चा अधिक है अर्निंग कम है इसका मतलब ये जीव विकास में हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो आपको बड़ा डेवलप फीचर दिखाई पड़ रहा है वो सभी जीवों के अंदर आ जाए वो जो जो भी फीचर हम देख रहे होते हैं ना वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो उस पर्टिकुलर जीव के लिए किस इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए वो बेहतर है या नहीं है ठीक है सम स्पीसीज द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म ये क्या होते हैं दे आर दी पार्शियल रेगुलेटर दे आर पार्शियल

वो एक जगह पर लगातार बनी हुई अब देखिए क्या हुआ गर्मी का मौसम आया चला गया फिर बारिश आ गया ठंड आ गया अब कंफर्टेबल हमने एसी सी वेसी बंद कर लिया आराम से के। फिर गर्मी आई फिर हमने ऑन कर लिया उसको कई एनिमल ऐसे होते हैं गर्मी बहुत तेज गर्मी है बहुत ज्यादा गर्मी है तो ग्रीष्म निंद्रा में चले गए सो गए जाके इत थे। ठंड पड़ी तो सो गए जाके हाइबरनेट कर लिए कंडीशन ठीक हुई फिर जग गए दरअसल जीवों के पास बहुत सा जो है वो ये विकल्प तो थे लेकिन कहीं कोई हिस्सा ऐसा है जहां पर मौसम बदला और लंबे समय तक वैसा ही इन्वायरमेंट रहने वाला है जैसे पोल्स पे बात करें जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में छह महीने का दिन और छह महीने की रात होती है जब सूरज उत्तरायण होगा नॉर्थ फेस करेगा तो नॉर्थ पोल पर दिन निकला होगा नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूं साउथ पोल पर अंधेरा होगा जब सूरज दक्षिणायन होगा साउथ को फेस करेगा तो साउथ पुल अंटार्क्टिका में जो है वो सूर्य निकलेगा नॉर्थ पुल पे अंधेरा रहेगा अर्थ तो है अपने एक्सेस पे इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर लंबे समय तक क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बदल बदल चुकी होगी

रिसर्च सेंटर वहां पे बनाया हुआ अंटार्कटिका में और उस रिसर्च सेंटर में कुछ लोग रहते हैं जो अंटार्कटिका के बारे में और वो रिसर्च सेंटर जो है वहां पे अंटार्कटिका की स्टडी कर रहा होता है लाइफ बहुत कुछ स्टडीज वहां पे चल रही है बीच में एक बार जो है मुझे अच्छे ध्यान है कि पाँच छः साल पहले एक आठ साल पहले एक विज्ञापन न्यूज़पेपर में एक एड आया था कि अंटार्कटिका में एक अभियान जा रहा है उसके लिए डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है क्या कोई तो डॉक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें मैंने देखा है चलो जानते हैं प्रोसीजर क्या पता तो करते हैं कि मैंने भी अप्लाई किया तो बाकायदा उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि आपका एक इंटरव्यू होगा कि आप डॉक्टर के डॉक्टर का एक पूरा पैनल आपका इंटरव्यू लेगा और उसके बाद डिसाइड करेंगे नॉलेज प्रॉपर है आप कितना में आपको के फिर आपकी एक तीन महीने की ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग में आपको जो मेडिकल प्रॉब्लम में लोगों को होती है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी पूरी आपको फिर आपका तीन महीने का एक आपका जो है वो हैबिटेड ट्रेनिंग होगा मैंने पूछा ये क्या ट्रे चीज है उन्होंने कहा हैबिटेड ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको तीन महीने तक जो है अंटार्कटिका ऐसी कंडीशन बनाकर यहां पर रखा जाएगा आपको सिमुलेट किया जाएगा कि आप कैसे व्यवहार करें कैसे रहे कहीं पर बनाया हुआ बैंगलोर के आसपास कहीं उन्होंने जहाँ पर वैसी कंडीशन में आपको बर्फ जमा हुआ सब वहाँ पर रख रखा जाएगा आपको कि आपको वहाँ पर जो है वो कुछ दिन वहाँ पर गुजारने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है वहाँ पर ये मालूम चल जाए उसके बाद आपको भेजेंगे अच्छा खासा पैकेज सब कुछ बढ़िया था उसके अंदर के एक एडवेंचर अलग था उसमें कि आप जो है पे कई कुछ आर्मी पर्सनल थे कुछ एयरफोर्स तमाम लोग के कुछ साइंटिस्ट थे वो पूरी पच्चीस स्टेशन में लेकिन वो कब जाती है जब अंटार्क्टिका में सूर्य निकला होता दिन होता तब जाती है जैसे अंटार्क्टिका में रात होती है कि भैया आप छह महीना खत्म होने आ गया है आप टीम को निकालो वापस सब लोग सारे लोग वापस जाते हैं मेनलैंड पे कंट्री में हर स्टेशन खाली आता है फिर छह महीने बाद जब दिन निकलेगा तब दोबारा पहुंच जाएंगे यहां आ रही बात वहां के एनिमल भी ऐसा है करते हैं आर्कटिक टर्न होते हैं हैं नॉर्थ पोल पोल से साउथ माइग्रेट करते फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल उनका जीवन इसी में निकल जाता है छह महीना वो नॉर्थ पोल पर है वहां से माइग्रेट किए कुछ महीने और साउथ पोल तक पहुंचे फिर यहां रात होने लगी तो फिर नॉर्थ पोल क्यों गठ के सबसे लंबा माइग्रेशन शो करते हैं अरे माइग्रेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह कि जब हम भोपाल में रहा करते थे तो हम छुट्टी कब प्लान करते थे भाई समर वैकेशन है बच्चों को बच्चों का समर वैकेशन होता है गर्मियाँ पड़ती है एकदम तेज चिलचिलाती गर्मी पड़ती है तो सरकार बोलती है स्कूल बंद छुट्टी बच्चों की अब बच्चे घर में रहेंगे पहले के जमाने में वेदर उतना नहीं बिगड़ता था तो बच्चे कई सारे बच्चे जो है अपने नाना नानी के घर जो है मामा मामी के घर चलाते थे छुट्टी के लिए बहुत अच्छा लगता है जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त वही होता है जब आपने कजिन के साथ में आप नानी के घर पर होते हैं मामा के घर पर होते हैं मौसी के घर पर होते हैं बुआ के घर पर होते हैं चाची घर पर होते हैं लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा है कि मामा मामी के पास रहने में ज्यादा मजा आता है नानी के घर में ज्यादा मजा आता है बजाय बुआ के घर में रहने के पता नहीं या हो सकता है ये मेरा पर्सनल अनुभव है हो सकता है आपका डिफरेंट अनुभव हो लेकिन एक बात बता रहा हूं तो अभी क्या होता है अभी हम लोग क्या करते हैं प्लान करते छुट्टी मई का महीना आएगा गर्मी भोपाल में कहा चलें कश्मीर चलते हैं श्रीनगर पहलगांव चलते हैं जब कंडीशन ठीक थी तब की बात कर रहा हूं ठीक है या शिमला चलते हैं हमने सब घुमा हुआ है इंडिया में ठीक है या नॉर्थ ईस्ट आजकल नॉर्थ ईस्ट जो वो सबसे बेस्ट जगह गर्मी में चलते हैं वहां पर दार्जिलिंग चलते हैं कालिम्पोंग चलते हैं लावा चलते मेघालय चलते हैं। है ना तो क्यों क्यों ये आपने माइग्रेट आपने देखा गर्मी बहुत पड़ रही है अब आपने क्यों नहीं गर्मी के मजे लिए भोपाल में रुक के क्यों निकल ली वहां से शिमला के लिए क्यों निकल ली वहां से ठंड में घूमने के लिए अभी मेरे घर में मेरी जो इन ल, जो है वो सिस्टर इन लॉ छोटी वाली वो स्टेट सर्विस में है बड़ी अधिकारी है मध्य प्रदेश में तो वो उसके बेबी हुआ छोटा सा छोटा बेबी है उसका वो बेबी वो बेबी अभी तीन महीने का है तो उसको लेके वो हमारे यहां पे वो आई है क्रिसमस के पहले वो यहां पे शिफ्ट हो गई थी बॉम्बे बौ, क्योंकि वहां ठंड बहुत पड़ रहा था एमपी के अंदर और अभी वो मेटर्निटी लीव पर है उसने कहा वहां इतनी ठंडी पड़ रही मैं तो अभी आ रही हूँ बॉम्बे तो बॉम्बे हमने कहा तो बॉम्बे जाओ बॉम्बे में रहो बॉम्बे में टेम्परेचर अच्छा है तो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा था ठंड के कारण वहाँ पे अब ठंड खत्म हो जाएगी उन्होंने बोला क्या अब हम वापस जाएंगे अपने घर सोचिए दिस इज ए माइग्रेशन और नॉट ए माइग्रेशन दिस इज अग्रेशन क्यों माइग्रेट किया क्योंकि वेदर आपका ठीक नहीं था हम लोग क्यों बोले कि तुम यहां से यहां आ जाओ बॉम्बे यहां पे कई लोग ऐसे हैं बॉम्बे के अंदर जिनके पेरेंट्स जो है वो नॉर्मली अपना पटना में लखनऊ में जहां के भी वहां रहते हैं वो लेकिन जब ठंड पड़ती है तो वो बॉम्बे आते हैं अपने बच्चों के पास में कि बॉम्बे रहेंगे वेदर का कार तो जब कंडीशन एडवर्स कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए कंडीशन एडवर्स रहेगी तो क्या होगा माइग्रेशन होगा, होगा किलोमीटर की दूरी तय करते हैं छियानवे छियानवे हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हैं 60,000 माइल्स माइल्स इतना दूरी तय करते हैं सोचिए पक्षी कितना चल रहा है वो एक लगभग एक लाख किलोमीटर उड़ रहा है ठीक है सब पता है उसे

पेंगुइन्स के देसो पैंग्विंस भी अठारह हजार किलोमीटर तक जो है अठारह हजार किलोमीटर एटीन थाउजेंड किलोमीटर तक भी माइग्रेशन को शो करते हैं तो समझ आप कि ये जो माइग्रेशन है ये वन ऑफ फिनोमिना है अपने जब, जब इस तरह का हो गया जिसको आप जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है, कि आप टॉलरेट कर ही नहीं सकते तो आपको जगह छोड़नी पड़ेगी ठीक है दट इज दी माइग्रेशन देन तो अगली प्रॉपर्टी है माइग्रेट दर्गेज कैन मूव अवे टेम्परली फ्रॉम दस फुल मतलब जो स्ट्रेसफुल हो गया है वहां से थोड़े समय के लिए मूव कर जाते हैं हैं उस human तो है है वो एक व्यक्ति जो है वो समर के दौरान दिल्ली से शिमला चला गया गर्मी अधिक पड़ती दिल्ली में मेनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटल एरियाज के जो राजस्थान के अंदर भरतपुर में जो आप देखें नॉर्थ नेशनल पार्क है वर्ल्ड सेंचुरी है वहां पर जो है हैडो नेशनल पार्क दुनिया भर में फेमस है वहां पर साइबेरियन क्रेन जो स, जो नॉर्थ पोल साइबेरिया वाला हिस्सा है वहां से पक्षी उड़ के जो वहां पहुंचते हैं उन्हें हम साइबेरियन क्रेन्स कहते हैं वो वहाँ पर हर सीजन में आते हैं और क्योंकि राजस्थान में उस समय जो है वो प्लीजेंट होता है जो वेदर एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल फिर अब बात करते हैं वट इज मीनिंग ऑफ सस्पेंड एक ऑप्शन और है। अब यह ऑप्शन ये है कि बाहर वेदर इतना खतरनाक हो चुका है कि अब अपने आप को बचाने के कन्वर्ट हो जाओ जिससे जीवन बचा रहे बेसिकली इट्स इट्स वे टू सेव लाइफ बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है बैक्टीरिया ने देखा कि बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है वेदर डिफरेंट टाइप का है एच डिफरेंट टाइप का है तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर का फॉर्मेशन क्या है एंडोस्पोर एंडोस्पोर जब तक और एंडोस्पोर हीट रजिस्टर होता है केमिकल होता है लंबे समय तक अपने आप को मेंटेन रखेगा जब जब कंडीशन ठीक हो जाएगी ऑप्टिमम कंडीशन आएगी तो वो जर्मिनेट करेगा और नया बैक्टीरिया बन जाएगा ठीक है कई जैसे हम बात करें गेहूं की फसल की बात करें वो देखा आपने मार्च का महीना आएगा अप्रैल का महीना आएगा फसल को आप काट लेंगे मत काटिए एक गेहूं का पौधा छोड़ दीजिए खेत के अंदर देखिए क्या होगा उसका मई जून का महीना आएगा पौधा अपने आप खत्म हो जाएगा उसके क्योंकि वो नहीं सस्टेन कर पाएगा तो उसने क्या किया उसने अपने आप को सीड में रिप्रोड्यूस किया सीड सीड के अंदर नया जीवन है सीड के अंदर वो प्लांट है एम्ब्रियो है अगली बार मौसम में फिर सीड लगेगा और वो नया पौधा बन जाएगा ठीक है ये सस्पेंड तरीका इन बैक्टीरिया फंजाई लोअर प्लांट वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल स्पोर्स आर फॉर्म थिक वॉल स्पोर बनते हैं Which help them to जो कि उनको में हेल्प करते हैं जर्मिनेट करते हैं और सुटेबल इन्वायरमेंट जर्मिनेट करेंगे और नया बन जाएगा नया फन या नया लोअर प्लांट बन जाएगा हायर प्लांट में जो सीड होते हैं कुछ वेजिटेट प्रोपरेटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो अपने आपको जो है वो ऐसे एडवर्स पीरियड में वो सीड के अंदर जीवन बचा रहता है जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसके अंदर जीवन बचा रहता है ठीक है ये आ, साइड ओवर पीरियड्स ऑफ डिस्ट्रेस विसाइड हेल्पिंग इन डिस्पर्सल द जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर के अब आप गर्मी के मौसम में भरी गर्मी में आप गेहूं का दाना डाल दीजिए खेत में नहीं उगेगा वो जब तक तो बारिश नहीं होगी पानी नहीं मिलेगा वो नहीं उग पाएगा उसके तो इसका मतलब ये कि ये भी तो एक तरीका है कि जीवन को बचा के रखा गया है दे डू सो बाय रिड्यूसिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इन टू स्टेट ऑफ डॉमेंसी तो इसे हम क्या बोलते हैं डॉरमेंट स्टेट बोलते हैं सस्पेंड स्टेट बोलते हैं डॉमेंसी इज ए फॉर्म ऑफ इकोलॉजी में डॉमेंसी के लिए हम सस्पेंड वर्ड का यूज करते हैं सस्पेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी वर्ड का यूज करते हैं इस समय क्या होता है कि जीवित जीव जो है अपने मोस्चर को कम करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है और फूड को स्टोर करता है और लंबे सतह उसी फूड के भरोसे जीवित रहता है वो ठीक है ट दे अवॉइड बाई अब जो एनिमल माइग्रेट नहीं कर सकते भालू है वो अपने को माइग्रेट नहीं कर पाता वो उतना लंबा दूरी तय करना उसके बस की बात नहीं है लेजी है वो ठीक है तो उसने क्या किया उसने कहा भाई सोयाते हम तो ठीक है इतनी गर्मी पड़ेगी ना हम बड़ा गड्ढा करते हैं गुफा में जाकर सोयाते हैं और हम दो महीने सोते ही रहेंगे हाइबरनेशन शीत निंद्रा ठीक है वो हाइबर फैमिली के साथ भालू जो है वो क्या करता, करता है विंटर में ठीक है इसके पिन टाइम मतलब वो सो गया है कब गर्मी पड़ा उसने सो गया मान लो अप्रैल में सो गया वो अब नींद कब खुली उसकी बाद में जून में जब पानी गिरने लगा था, जून जून के आखिर में नींद खुली दो महीने सोते ही रहा वो कैलेंडर बदल गया दो महीने निकल गया स्केप पिन टाइम जिन लोगों का मैं कई ऐसे जब मेडिकल अपना आईसीयू में मेरी ड्यूटी हुआ करती थी कई कई समय पहले की बात है जब मैं इमरजेंसी मेडिसिन में कोर्स कर रहा था फेलोशिप करा था फेलोशिप इन इमरजेंसी मेडिसिन मैंने किया हुआ है काफ़ी साल पहले कुछ पेशेंट जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ है या कोई आ, मेडिकल बड़ी प्रॉब्लम है वो कोमा में थे पंद्रह दिन कोमा में रहे वो फिर धीमे धीमे होश आना शुरू हुआ नॉर्मल होने में उनको पूरा एक महीने का वक्त निकल लग गया एक महीने बाद वो पूछते हैं तब तो थोड़ा ठीक होते बोले रहते हैं तारीख क्या है आज 21 अप्रैल है अच्छा मेरा तो ये मैं तो बीमार पड़ा था जनवरी में दो महीना हो गया दो महीना हो गया बच्चों को देखते हैं सबको तो वो दो महीना जिंदगी से कहां कट गया पता ही नहीं चलता है दिस इज स्केप एंड टाइम सेमिलरली कि भालू सो गया है सो गया है मतलब सो गया अब नींद खुलेगी जब दो महीना गर्मी का निकल चुका तब तो नींद खुलेगी हाइबरनेशन के इसके अलावा कुछ एनिमल होते हैं से स्नेल्स हुए फिश हुए, ये को शो करते हैं, समर, समर, में जो है वो, समर में जो है वो अपने आप को जो है अपने एक्टिविटी को घटा लेते हैं सो जाते हैं ठीक है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जू लेक एंड पॉन्ड आर नोन टू है जब कंडीशन अनुकूल नहीं होती है अनफो कंडीशन होती है तो छोटे छोटे जू पी जो झील जी, में होते हैं जो जो तालाब के अंदर होते हैं वे में जाते हैं डायापोज का मतलब होता है बेटा सस्पेंडेड डेवलपमेंट अब ये रिप्रोड्यूस नहीं करते फूड को लेंगे ये पर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं लेस एक्टिविटी शो करते हैं जिससे एनर्जी का लॉस कम से कम हो क्योंकि फूड कम हो रहा है एडवर्स कंडीशन मतलब फूड कम हो रहा है तो अब इनकी रिक्वायरमेंट को कम करते हैं और ये सस्पेंडेड आते हैं ये और मल्टीप्लाई नहीं करते कुछ समय के लिए ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बात हमें समझ में आई कि क्या क्या ऑप्शन है यदि एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी तो जीव के पास ऑप्शन क्या क्या है ऑप्शन नंबर वन है रेगुलेट करो कन्फर्मर बन जाओ माइग्रेट करो ये सस्पेंड हो जाओ चार विकल्प उसके पास ठीक है वट इज द मीनिंग ऑफ फिनोलॉजी फिनोलॉजी रिफर्स टू टाइमिंग ऑफ दीजल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेज इन रिलेशन टू चेंज इन दिनवायमेंटल कंडीशन के आई एम बी के वट इज द फिनोलॉजी फिनोलॉजी का मतलब क्या होता था इट इज द रिफर टू द टाइमिंग ऑफ दिस इन रिलेशन टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन मतलब अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में एक जीवित जीव एक ऑर्गेनिज्म कैसे व्यवहार करता है उसकी स्टडी को हम फिनोलॉजी कहते हैं ठीक है इन मेनी एनिमल्स माइग्रेशन Are by the of the day and night. के, आप देखेंगे वो एक पर्टिकुलर सीजन में होगा हर समय नहीं होगा वह तो एनिमल्स क्या करते हैं कि वो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और उसकी स्टडी को फिनोलॉजी कहते हैं ठीक है क्लियर यदि आप

सनलाइट के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा प्लांट या तो हेलियोफाइट होंगे हाईलाइट इंटेंसिटी में ग्रो करेंगे स्क्यो होंगे लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करेंगे आपके लिए मैंने दो क्वेश्चन दिए आप बताइए मुझे कि हेलियो हेलियोफाइट का मतलब क्या होता है और फैकल्टीटिव स्क्यूफाइट का मतलब क्या होता है ये दोनों का मतलब आपको बताना है ठीक है से जारी है आगे बात करेंगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आज का लेक्चर लंबा हो गया वैसे बिटे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे बात करेंगे बेटा ठीक है तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए और पढ़ने का मजा लेते रहिए वही तो दिमाग में टेंशन मत लीजिए मुझे मालूम एग्जाम पास ये वो तमाम तरह का स्ट्रेस होता है मैं एक ही बात कहता हूं आपसे स्ट्रेस से कुछ मिलता हो तो दिन भर बैठ के स्ट्रेस लो कुछ मिलता नहीं ना उससे डीमोटिवेट होने से भी कुछ नहीं मिलता है तो भैया मोटिवेट होकर देख लो एक बार ना पढ़कर कुछ नहीं मिलता है टेंशन लेकर कुछ नहीं मिलता है Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test, you can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.